रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती के प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर जो मैं हंस कर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो। वेलकम टू पधारो मारे देश, नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पे हम बैठे हुए हैं, ये हवेलियाँ से दूर एक गांव है जिसका नाम है रिचोया। जिस जगह मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे जो है एक पंचक्की चल रही है, और हमारे जो प्रोग्राम का एक मिजाज भी है कि हम अपनी सकाफत को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस अमल में पानी का बहुत एक अहम रोल होता है। पानी का प्रेशर आ रहा है पीछे गलियात से, यहाँ पर आता है पानी। पानी ना सिर्फ वो हमारी फसलें जो हम काश करते हैं वहाँ हमारे लिए मददगार होता है, बल्कि उसके साथ साथ वो जो पानी का प्रेशर है, उस प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हम आटे को पीसते हैं। अच्छा, होता यूँ था, ज़िंदगी बड़ी सादा थी, बड़ी खूबसूरत थी। काश करते थे जब आप अपने देहातों में, अपने खेतों में मकई काश की, आपने गंदम काश की, इसी तरीके से अगर आपने बाजरा भी काश किया हुआ है तो वो लोग लेकर आते थे पंचक्की पे। और होता यूँ था, सिस्टम कुछ यूँ था कि वो आपसे नकद पैसे नहीं लेते थे, पैसा होता कहाँ था लोगों के पास। तो किया ये जाता था कि जब वो उस फसल को पीसते थे तो उसमें से एक ख़ास जो पोर्शन है, जैसे पंजाब में काट कहते हैं, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ उसके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो जो पंचक्की वाला है अपने पास रख लेता था और बाकी आपको पीस कर आपको दे देता था। अब वो जो उसके पास अपने खासी मकदार इकट्ठी हो जाती थी, तो फिर वो अगर वो शहर से कोई लेने आता था या वो उसको खुद बेच कर उससे अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाता था। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, अब चलते हैं देखते हैं कि सारा प्रोसेस कैसे होता है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करा। रजा मोहम्मद भाई, ये जो सिस्टम है, हम पंचक्की और आप जंदर कहते हैं, पंचक्की बोलते हैं, तो कितने अरसे से ये चक्की यहाँ पर कायम है? ये चक्की तकरीबन जी मेरी याद तो पहले, लेकिन बड़े से सुनते आए हैं 150 साल, 150-200 साल तकरीबन गुजर रहे हैं। मैं खुद चौथी नस्ल से आ रहे हैं। चार नस्लों से आप ये काम जी, कर रहे हैं? चार नस्लों से काम हमारा चल रहा है। तो आपका बच्चे? बच्चे तकरीबन कम ही इस वक्त आने ने, गड़ियाँ ड्राइवर हो गए ने, तो गड़ियाँ टोर रहे हैं, गड़ियाँ तो ड्राइवर हो गए, गड़ियाँ ड्राइवर हो गए, मेरी लारी जुलनी पिंडी। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप ये जो चक्की चल रही है जी, तो ये कैसे चल रही है? नीचे कोई पंखा लगा हुआ है? पंखे के साथ कोई कनेक्शन है जो पानी के प्रेशर को चला रहा है? इसके नीचे लकड़ का पखट लगा हुआ है ठीक, उसके साथ ऐसे पार लगे हुए हैं ठीक है, लकड़ की पार लगी हुई है ठीक है, उसके बीच में एक लोहा लगाया हुआ है हमने मजबूत करके ठीक है, उसके नीचे भी लोहा है ठीक है, समझियो ये पत्थर में ऐसे घर बने हुए हैं ऐसे इस तरह ठीक है, उनके बीच में ये लोहा मजबूत करके किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है ठीक है, पानी से पखा फिर रहा है ठीक है, और ये ऊपर से ये उसे फिर रहा है। तो आपके पास जब लोग पहले आते थे गंदम लेकर, तो वो पैसे देते थे या क्या सिस्टम था? उस वेले हाथ निकालते हैं, ये पूरा बना हुआ है हमारा। अच्छा, ये मेन के निकालते थे ऐसे मिलने से, तो ऐसे। अच्छा, अब ये सिस्टम हो गया है हमारा, जब काम चला है, कंडा लगा लिया लोगों ने। अच्छा, तोड़ के दाने लेते हैं और तोड़ के आटा दे देते हैं, अपना अग तोड़ के निकालते हैं ठीक है। एक मन से 4 किलो गंदम जी, मकई 1 मन से 8 किलो आटा लेते हैं।
अच्छा हाँ जी, इस वक्त जुड़ देते हैं मकई 8 किलो एक मन में से, हाँ जी, गंदम में 4 किलो, 4 किलो एक मन में से। पैसे लूँ तो 400 रुपया। अच्छा, मकई का पैसा लूँ 700 रुपया। कितने घंटे आप काम करते हैं? रात दिन दाने चलते रहे ना। अच्छा, दाने चलते रहे रात दिन, रात दिन चलता रहता है। दाने खत्म हो गए तो हम भी घर पर चले गए। अच्छा, तो सीजन होता है आपका? सीजन होता है, गंदम का भी, मक्की का भी सीजन। सीजन में रात दिन हम जा रहे थे। खुश हैं आप? मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। यूं ही हम आपको पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग लाते रहेंगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और इर्द गिर्द के इलाके को एक्सप्लोर करता हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बांसुरी, ये खामोशी, ये तन्हाई, अब तन्हाई के साथ ही आप मेरे बन गए। जी जी, क्या खूबसूरत धुन आप बिखेर रहे हैं। बस ये आपकी मोहब्बत है सर जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम आबिद अली है। आबिद अली साहब जी, किससे सीखा आपने ये? ये मेरे वालिद साहब बांसुरी बजाते हैं और जो है ना ये सितार भी बजाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो है ये मौसीकारी में जो है ना ये बीन का जो लफ्ज़ है, हाँ, वो सपेरा बीन, वो भी बजाते हैं। अच्छा, मैं उनका शागिर्द हूँ। इस खूबसूरत जगह पे जब आपकी बांसुरी की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं सिर्फ खुद अकेला क्यों इसे इंजॉय करूँ? आए ना आपसे कुछ सुनते हैं। इंशाल्लाह सुनते हैं, दूर दुनिया तक पूरे पाकिस्तान को सुनाते हैं। इंशाल्लाह बैठते हैं। पुरानी गलियां, पुराने मोहल्ले, एक अजीब सी उनसियत उनसे महसूस होती है। मोहल्ला सलमान से ही रजोया, तहसील हवेलियां,
काफ़ी लंबा सफ़र काट के हम आए हैं इन खूबसूरत गलियों में। ये घर है जो पाकिस्तान बनने से कबल का घर है, और इसका अगर जो स्ट्रक्चर है, ये जो बना हुआ है, घर बना हुआ है, ये पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है। और अगर मैं इसकी फिलिंग भी देखता हूँ, तो पहले ज़माने में जो फिलिंग की जाती थी चूने से भी की जाती थी, और फिर जैसे माश की दाल है उसको भी पीस कर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये पहाड़ी पत्थर है, और इसकी रंगत भी आप देखें, और इसकी उम्र 100 बरस के करीब है या शायद उससे भी ज़्यादा है। मगर ये घर की जो खूबसूरती है, ये मजबूर कर देती है आपको यहाँ पे रुक के इसको देखने को। टूरिस्ट के लिए ये इलाका बहुत खूबसूरत, बड़ा दीदा जेब है, बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं, और यहाँ के लोग रहने वाले भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और वो इस चीज़ को समझते हैं, इस अहमियत को जानते हैं कि जो टूरिज़म है वो इकोनॉमिक्स के लिए और उनकी इकॉनमी के लिए, अगर मैं सही लफ्ज़ों में कहूँ, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और आपके जो अखलाक और आपकी जो मोहब्बत है, उसी से टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। सोचता हूँ कि यहाँ पे कितने कितने खूबसूरत लोग रहे होंगे, कितने कितने अच्छे लोग इन मोहल्लों में बैठ कर आपस में ज़िंदगी के दुख सुख बाँटते होंगे। हिंद को ज़बान बरसगीर पाक को हिंद की कदीम ज़बानों में से एक ज़बान है। ना सिर्फ हज़ार डिवीज़न में बोली जाती है, बल्कि पेशावर में भी और कश्मीर के भी बहुत से अज़ला हैं जहाँ पर यह ज़बान बोली जाती है। इस ज़बान में बहुत मिठास है, बहुत प्यार है। क़दामत के साथ साथ इस ज़बान में जो खलूस और जो मोहब्बत है वो उमड़ उमड़ के आती है, और इनके माही और इनके टप्पे पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से सुने जाते हैं। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं आबिद भाई, और हमने जब आबिद भाई से कहा कि आप हमें हिंदकों के खूबसूरत कलाम सुनाएं, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं अल्ताफ़ साहब सदाबहार, तो सदाबहार जो है इस बहार के मौसम में गुल खिलाने भी आ रहे हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको उस मौसीकी की खूबसूरत दुनिया में, हिंदकों की प्यारी मीठी ज़बान में। सुन मेरी रानी कल परदेसी होवे सा, अखियां लबसण में ओले होवे सा। सुन मेरी रानी कल परदेसी माया रजो ये दा रजो ये बेकदरा
बफा 1872 में बफा टाउनशिप डिक्लेयर हुआ था और मानसेरा की जो दो टाउन थे उनमें से एक नवांशहर और दूसरा बफा था। बफा एक बहुत ही बड़ा तजारती मरकज़ था और हम यहाँ पर जब आए हैं तो जब यहाँ पर आप आते हैं तो आलमजेब खान लोगमानी साहब यहाँ की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं। हमने इनका हाथ पकड़ा क्योंकि जब भी हम यहाँ आते हैं ये हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं और हमने इनसे कहा कि आपका अपना टाउन है, अपने टाउन की हमें सैर कराएं। लोगमानी साहब तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? ये जो है ना कदीम शहर के कदीम मालूम लेकर जा रहे हैं। आए चले जी। तो ये वो महले हैं, ये वो घर हैं जहाँ हम सकत जा रहे हैं। तो उस ज़माने में मैं बहुत छोटा सा था, मेरी भी अब 60 है जी जी। तो यहाँ स्टोन पिचिंग हुआ करती थी। अच्छा। तमाम बफर टाउन जो ये डाउन टाउन था जितने भी महले हैं तो उस ज़माने में चूँकि ये उस वक़्त जो था ये एक रिच टाउन था जी जी। तो यहाँ उस वक्त स्टोन पिचिंग हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो ये सब महले जो थे ये पुख्ता थे। अच्छा अच्छा। ये वो माला तितवाल है, माला तितवाल यहाँ सागर सरहदी का घर है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। सागर सरहदी साहब जिसने ये हिंदुस्तान में बड़े अवार्ड मिले, तो 40 टॉप फिल्में जो हिंदुस्तान की हैं उनमें वो सागर सरहदी की थी। और यहाँ के जो लोग हैं अगर तारीख की औराक पलटते हैं जी तो बड़े पढ़े लिखे जी, बड़े सिविलाइज्ड और बड़ा प्यार और मोहब्बत से रहते थे। और जब पहली दफ़ा भी कहते हैं कि जिसको हम तो तहरीक आज़ादी कहते हैं वो बगावत हिंद कहते हैं, बगावत तो यहाँ के लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बहुत अहम जी। यहाँ उनसे तहसील जो है ना उन्होंने ले ली थी, अंग्रेज़ ने स्टेटस ले लिया था, स्टेटस ले लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर जो है ना दोबारा हमारा स्टेटस बहाल किया। अच्छा, तो उसमें ये है कि बफा की जो वजह शोहरत है जी वो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है जी, जी एग्रो बेस इंडस्ट्री जो है हमारी हज़ारा डिवीजन में वाहिद जो है टाउन है बफा जिसमें बेहतरीन नहरी निज़ाम है। उसी वजह से ये हमारा जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है जो हमारे ये जो है ये टोबैको है, हमारी वेजिटेबल है, हमारे जितनी चावल हैं ये चीज़ें जो है ना ये उस पर बेस करती हैं। बफा, बफा का खोया ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत मशहूर है। एक ऐसी सौगात है जिसको पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े शौक से लेकर जाते हैं और जो भी मानसेरा आता है तो यहाँ से ये सौगात सार लेकर जाता है। इस खोए की कुछ तारीख यूँ है कि आज से 150 बरस कबल बफा जो कि एक बड़ा बूमिंग टाउन था, यहाँ एक बड़ा सिविलाइज टाउन था और मरकज़ था ये यहाँ पर ट्रेड का, तो उस वक्त यहाँ पे एक हिंदू ताजर ने जो खोया है इसका कारोबार शुरू किया और वक्त के साथ साथ यहाँ के जो मकामी लोग थे वो भी खोया बनाना शुरू हो गए। खोया इतना मशहूर हुआ कि इस खोए को मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता था। खड़े मेरे लेफ्ट साइड पे तो मैं चाहूँगा ज़रा उस अमल को पास से जाकर देखूँ, आग की हिद्दत को भी महसूस करूँ, वो हिद्दत जिस पे पक के ये जो खोया है वो इतना लजीज हो जाता है जिसे सौगात के तौर पे कंसीडर किया जाता है। देखते हैं जी ये अमल कैसे होता है खोया बनाने का। अब ये जो अमल है बफा में खोया बनाने का, तो हम आए तो वहाँ पर नवीद भाई साहब ये खोया बना रहे थे, पता लगा कि सुबह 8 बजे से ये इस पर लगे हुए हैं और तकरीबन 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये नवीद खुद ही आपको बताएंगे। जी नवीद जी, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूध जो है इसको उबालना पड़ता है, तो इसमें फिर चीनी डालेंगे हम। क्या कहते हैं अगर 40 लीटर दूध जी तो उसमें कितना आप चीनी डालते हैं? उसमें 2.5 किलो 2.5 किलो चीनी डालते हैं। और ये इससे गाढ़ा होता है जिस सीख से आप इसको मुसलसल किए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आप इसको उछालते भी हैं जी। यही वजह है, यही मेहनत है कि बफा का खोया पूरी दुनिया में जो है मशहूर है। और अब हम भी जाएंगे कि इतनी मेहनत जो नौजवान ने की उसको खुद भी चखें और जायका जो है क्यों मुनफरद है ये भी हमें तभी पता लगेगा जब हम खाएंगे, तो मगर ये समझ लगी है कि इसके पीछे इतनी मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी, खोया बनने का अमल तो देखा है, हिद्दत को भी महसूस किया है, अब क्यों ना थोड़ा सा खोया चख लिया जाए। खोया तो चखाएं जनाबे वाला।
शुक्रिया जनाब। इन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि मीठे का मैं इतना शौकीन हूँ, एक दो तीन चार पाँच बंदों का हिस्सा मैं अकेला खा जाता हूँ। चखते हैं। वेरी रिच। इंसान की जबीलत में जी मीठे से प्यार, क्योंकि क्विक एनर्जी आपको मीठे से ही मिलती है। और हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में जहाँ कोई खुशी का मौका होता है तो हम क्या लेकर जाते हैं, मीठा ही लेकर जाते हैं। और जब आपको खुराक किसी कोई आपका डिनर करता है या लंच में इनवाइट करता है तो जो सबसे स्पेशल डिश क्या होती है उसके बाद, मीठा। और इससे बेहतरीन मीठा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। मैं तो इन्जॉय करने लगा हूँ और आई होप सो जितना मैं इन्जॉय कर रहा हूँ आप इन्जॉय करना चाहेंगे। मानसेरा में जो खूबसूरत टाउन है आपका बफा, यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए ताज़ा ताज़ा खोए का। रोकिएगा जनाब। शुक्र अरे पानी 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 पानी। पानी निकालते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि जब हमारा बचपन था तो हम ये मशक्कत करते थे जिससे हमारे मसल्स खूब बनते थे। ये मज़े की एक्सरसाइज है पानी को खींचने की। और यकीन मानिए कि इस पानी को खींचते हुए मुझे कदर कीमत का एहसास हो रहा है कि जो चीज़ आप मशक्क़त से हासिल करते हैं तो उसकी कदर तभी आप जानते हैं। पहले तो हाथ धो लेते हैं जी और फिर भूख भर के जो पानी पीने का मज़ा है कोई मज़ा उसका मैच नहीं कर सकता है। पानी ताज़ा है, ठंडा है, मेरी तो रूह भी तरतर हो गई है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की हिफाजत की। बफा से हम निकले जी गुली बाग के लिए। और गुली बाग जो है किसी ज़माने में तुर्क रियासत पखल का दारुल खिलाफा था। जिस जगह मैं सब बैठा हूँ मेरे अकब में दरबार था महमूद खुर्द का, जो कि तुर्क कबीले से जिनका ताल्लुक था और तुर्क रियासत थी। बताया जाता है कि वो जो रियासत थी वो उसका जो फैली हुई थी एबटाबाद हरिपुर तक एक तरफ से, दूसरी तरफ से कश्मीर तक, और तीसरी तरफ से वो फैली हुई थी सवात तक। कि 600 साल कबल वो रियासत यहाँ पर कायम थी। उसके बाद जब शाहजहाँ का दौर था उस वक्त तक भी वो रियासत कायम थी, मगर फिर उसमें तोड़ फोड़ का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक मुग़ल और ये तुर्क आपस में कज़न से, आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ थी। तो मुग़ल जब आप मुहिम जोई के लिए आगे जाते थे यहाँ से गुजर कर पंजाब और ऑनवर्ड, तो यहाँ पर इनके पास आकर ठहरते भी थे। बताया जाता है कि महमूद खुद तबीयत के बड़े सख्त मिजाज थे और उन्हीं दिनों में एक अल्लाह के वली यहाँ पर तशरीफ़ लाए जिनका नाम था नसीरुद्दीन शाह, जिनको प्यार से शहंशाह पखल दीवान राजा कहा जाता है। और उन्होंने यहाँ पर कलमाए हक को बुलंद किया। बहुत से लोग दूर दूर से चल के उनके पास आते थे। और तारीख़ को अगर हम उठा के देखते हैं हमेशा यही होता है कि जब अल्लाह के लोगों के पास लोग आते हैं तो बड़े बड़े जो शहंशाह हैं, जो बड़े बड़े बादशाह हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको अपनी बादशाही और शहंशाही खतरे में महसूस होती है। और ऐसे ही हुआ। और फिर ये बताया जाता है कि उसने उनको इनवाइट किया मगर वो उसकी इनविटेशन पे नहीं गए, कि उनका काम आम लोगों में था, वो अल्लाह लोग थे। और फिर 300 साल कबल यहाँ पर फिर सवाती कबाइल आए और फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया और आपस में उनकी जंग हुई, लड़ाई हुई।
अब यहाँ पर से कुछ बाकियात निकली जिसमें कुछ सिक्के मिले, कुछ ईंटें मिली और इस तरह के कुछ दूसरे नवादरात भी मिले हैं। वो जो मिले हैं कुछ सूबाई हुकूमत के म्यूज़ियम में हैं और कुछ हज़ारा यूनिवर्सिटी के जो आसार कदीमा का डिपार्टमेंट है वहाँ पर मौजूद है।